हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है, आपको सेब के बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहता हूँ। तो साथियों, आपने सेब में एक कीड़ा जो आपको अमूमन बहुत ज़्यादा आपके पौधों में दिखता होगा, और ये जो कीड़ा होता है हमारा मार्च में एक्टिव हो जाता है और अक्टूबर तक ये हमारे पौधों में दिखता है, और उसके बाद ये वापस जड़ों में जो है वो सर्वाइव करने के लिए जो वो जड़ों के अंदर चला जाता है, और वो हमारी जड़ों को भी काफ़ी नुकसान करता है। यानी कि इसको हम हल्के में ना लें, ये काफ़ी घातक हमारा कीड़ा होता है और हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, और ये सेब में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो साथियों, आपको आइडिया हो चुका होगा मैं किस कीड़े के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो जिन साथियों को नहीं पता है उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली जानकारी होने वाली है। तो साथियों, ये कीड़ा होता है वुलिया एप्पल एपिड। वुलिया से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि ये वुली का मतलब होता है ऊन या रेशा। तो ये रेशेदार कीड़ा होता है जो कि पूरी तरह आपको लग रहा होगा जब ये हमारे पौधों में दिखता है कि ये कहीं ना कहीं कोई रुई चिपक गई है हमारी टहनियों में, तो वो रुईदार ये कीड़ा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा घातक होता है हमारे सेब में, जो कहीं ना कहीं ये नुकसान है बहुत ज़्यादा कर लेता है। ये हमारे बीमे को भी नुकसान करता है, और वो ब्लाइंड जो हमारी स्लिपिंग आइज होती है उसको भी काफ़ी नुकसान करता है, और वो टहनी हमारी पूरी तरह से डैमेज कर लेता है। वहाँ पे कोई दोबारा उसमें कोई स्प्राउटिंग नहीं होती है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो आपकी टहनी डेड कर देगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसका अगर इलाज करना है, तो साथियों मैं पहले तो आपको बता दूँ कि ये दिखता कैसा है, तो उसके बाद इसको कैसे ख़त्म करना है वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊँगा। तो आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है साथियों। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वुलिया एप्पल एपिड किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए साथियों, पहले तो ये हमारे जड़ों में अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है, और ये धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है हमारे पौधे में। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि रुई नीचे बिखरी हुई है, लेकिन ये वुलिया एप्पल एपिड है और ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। जहाँ पर भी ये जड़ों में शुरू हो जाता है, तो ये जड़ों में जो हमारे वाटर स्प्राउट्स होते हैं उनको डैमेज करना शुरू करता है, यानी उसका रस चूसता है। इसका मेन काम है सेब के रस को चूसना, यानी कि जहाँ पे भी ये टहनी में या फिर कटा हुआ हमारा कोई हिस्सा होता है, जहाँ हमने कट लगाया होता है सेब में, वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं अटैक करता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस का रिसाव होता है जहाँ पर कट लगा होता है। तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉलोनीज जो है वो तैयार करता है। तो ये जो कीड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा फैलता है, और ये देखिए हमने कुछ टहनियाँ काटी थी, इसमें आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, तो हमने ये टहनियाँ रिमूव ही कर दी थी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये अटैक कर चुका था। तो इसके बाद हम इसको एक जगह यहाँ पे इकट्ठा करके इसको या तो हम कहीं ना कहीं इसको ट्रीटमेंट के द्वारा जो है वो ख़त्म कर देंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको मैं बताऊँगा। और ये जो कीड़ा होता है हमारा मार्च में शुरू हो जाता है एक्टिव, और ये पहले जड़ों में होता है, यानी कि मार्च से स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक ये ऊपर पौधों में रहेगा। उसके बाद जब अक्टूबर आते आते ये वापस दोबारा से हमारे तनों के द्वारा नीचे जड़ों में घुसता है, और दोबारा से हमारे जड़ों को इफेक्टिव यानी कि वहाँ पे उसको नुकसान करता है। तो साथियों, ये आपको समय रहते ही ये काम कर लेना है कि इसको पहचानना है कि ये हमारे सेब में कौन सा कीड़ा लग गया है। तो ये वुलिया एप्पल एपिड होता है, और ये देखिए आपको मैं ऊपर पौधे में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फैल चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी नज़र आ रहा होगा, टहनियाँ पूरी कवर कर ली है इसने, और ये हमारा जो ये कटा हुआ भाग था, ये देखिए आप यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हम कोई कट लगाते हैं या हमारा खुला कोई घाव होता है या कोई सेब में दरार होती है, तो ये वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनी तैयार करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये कट हमने किया था, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे
और इसमें फैलेगा, क्योंकि जब ये दोबारा से अपनी कॉलोनीज तैयार करते हैं तो एक मादा की कैपेसिटी होती है 25 से 90 बच्चा वो कहीं ना कहीं एक बार में एक सीज़न के अंदर दे सकती है। तो वो बिना किसी रुकावट के वो प्रक्रिया चलती रहती है, और वो जो बच्चा हमारा बुलियापीड वो तैयार होता है, यानी वो आगे अपनी कॉलोनीज़ में जो नए बच्चे तैयार करती है, वो 3 दिन में एडल्ट हो जाते हैं और वो भी आगे बच्चे देना शुरू करते हैं। यानी कि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो फैल सकते हैं। तो आपको इनको रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो आपने अपने बगीचे में देखना है कि ये कहाँ कहाँ आपके बगीचे में आ चुका है बुलियापीड। तो आपको इसके लिए पहले तो टारगेटेड स्प्रे करना होता है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपकी अगर ये कुछ प्लांट में आपको नज़र आ रहा है तो आप पूरे बगीचे में उसका स्प्रे कर दें। तो इसके लिए जो स्प्रे आता है मैक्सिमम हम रिकमेंड करते हैं, यानी कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, वो है हमारा क्लोरोपायरीफोस। इसका वही एक इलाज है जिसके द्वारा ये ख़त्म हो सकता है और ये दोबारा नहीं होगा आपके पेड़ में अगर आप इसको समय रहते ठीक कर लेते हैं, यानी इसको ख़त्म करते हैं। तो साथियों आपको करना क्या है कि ये आपको जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है टारगेटेड स्प्रे करें। आप क्लोरोपायरीफोस का घोल बना के हो सके तो आप अपने छोटे पंप द्वारा इसमें स्प्रे करें, ताकि जहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है तो वहाँ पे ही आप ये स्प्रे करें। पूरे पौधे में आपको स्प्रे करने का कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका जहाँ जहाँ पे भी ये आपको नज़र आ रहा होगा तो ये आप इसको उसके स्प्रे के द्वारा जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप पूरे बगीचे में कहीं ना कहीं क्लोरोपायरीफोस का स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो प्रीडिएटर्स होते हैं, यानी जिसको हम शिकारी जीव कहते हैं और वो हमारे मित्र हो सकते हैं, वो इनको बुलियापीड्स को जो है वो कहीं ना कहीं खा जाते हैं। अगर हम उनको मार देंगे जो हमारे प्रीडिएटर्स होते हैं, जो शिकारी कीट होते हैं और हमारे मित्र होते हैं, मित्र कीट कह सकते हैं उनको, जो मित्र कीट है अगर वो आपने मार दिए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो आपको कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है अपने सेब में, ताकि आप मित्र कीट को नुकसान ना पहुँचाए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे में माइट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, यानी वो जो माइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है आपके बगीचे में। तो फिर से आपको इंसेक्टिसाइड करना पड़ेगा, तो आपको फिर से प्रीडिएटर्स को मारना पड़ेगा, तो आपके कहीं ना कहीं पौधे का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। आपके मित्र कीट कम रह जाएंगे तो आपके पौधे में बीमारियां ज़्यादा आ सकती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है साथियों, वो आपको बताना चाहूँगा कि बुलियापीड को वैसे तो आप हल्के में ना लें। अगर वो ज़्यादा आपके बगीचे में आ चुका है तो आप पूरे बगीचे में भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप समय रहते उसके ऊपर स्प्रे कर लेते हैं, यानी उसको समय रहते ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो ज़्यादा आपको कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालना है। आपको सिंपल क्लोरोपायरीफोस का एक स्प्रे करना है और वो टारगेटेड स्प्रे आपको करना है। जहाँ पे भी आपको ये बुलियापीड आपको पौधे में दिख रहा है वहाँ पर आपको उसको स्प्रे करना है, यह उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है साथियों। बाकी इसके लिए और भी बहुत सारे आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलियापीड कहीं ना कहीं अक्टूबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में या हिली एरियाज़ में थोड़ा जल्दी वापस ऊपर पेड़ में जहां पे ये होता है वहां से वापस जड़ों की ओर जाना शुरू हो जाता है। उसके लिए एक और ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, यानी कि वो इसको स्टिकी बैंड कहते हैं, वो हमारे तनों में यहाँ पे लग सकता है और वो स्टिकी बैंड यहाँ पे आपको पूरा कवर करना है। उससे क्या होता है, जब हमारा बुलियापीड वापस दोबारा जड़ों की ओर मूव करता है तो वो वहीं पे ही उस स्टिकी बैंड में जो है वो चिपक के मर जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरा रास्ता है इसको कंट्रोल करने का। तो स्टिकी बैंड मार्केट में मिल जाएंगे आपको, या फिर आप सिंपल बैंड लेके उसमें बाहर से कोई चिपकने वाला पदार्थ लगा के
उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जब ये वुली एपल हैबिट वापस मूव करेगा जड़ों की ओर, तो वहाँ पे आके वो डेड हो जाएगा, उसमें चिपक कर जब वो मर जाएगा। तो इसका एक और भी ये दूसरा इलाज है, अगर आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं तो ये भी अच्छा इलाज है। उससे क्या होगा कि आपका इंसेक्टिसाइड यूज़ करने का जो काम है वो भी कम हो जाएगा और वो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं होने देगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करता हूँ साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भगवान, जय हिंदुस्तान।